स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का NCERT बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सुनिए, सबसे पहले NCERT बुक आइए क्लास 11th का और आप इसे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, आराम से जाइएगा 3.2 में, ठीक है। और 3.2 में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारा है, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि इसको देखिए सामने रख के, लेकिन उसके पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं उसे अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ तब पढ़ाएंगे, तब जाकर के एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद तब जाके पहला क्वेश्चन बनेगा, फिर दूसरा बनेंगे, एक करके सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम आपको इस तरह से पढ़ा देना चाहते हैं, इस तरह से बता देना चाहते हैं, सारा का सारा काम क्लियर हो जाए। आपको फार्मूला पता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं मैट्रिक्स से ही साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। लेकिन सुनिए, ये कौन ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये बेस है, आधार है, ये हाइपोटेनस माने कर्ण है। तो ये रिश्ता तो आप जानते हैं, रिलेशन जानते हैं आप, P² + B² इज इक्वल टू क्या होता है, H² होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसमें कोई आपको डाउट है ही नहीं। चलिए तो ये आप बात जानते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट का संदार कॉन्सेप्ट, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए ये भी जानते हैं कि साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है, अपोजिट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1, साइन बाई कॉस 10, कॉस बाई साइन कॉट, ये आइडेंटिटी होता है तीन को, इसको याद रखिएगा। तो इस सारे बेसिक फार्मूला के साथ साथ अब वो फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं, वो चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको जो इस एक्सरसाइज में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। सो फटाफट इसको स्क्रीन शॉट लेने का प्रयास कीजिए ताकि आप अच्छा से समझ लें। तो चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सब चीज़ें आप जानते थे ना, इसलिए फटाफट तेजी में बोलकर निकल गए हम। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन होता है ना, साइन ऑफ टी रेशियोज। देखिए हम हेडिंग के रूप में लिख देते हैं ना, आप लिखिएगा 3.2 और कॉन्सेप्ट, थ्योरी दे रहे हैं आपको 3.2 के लिए, समझे ना। देखिए यहां देखिए ये होता है क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट होता है 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया चतुर्थांश, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्थ हो गया, यह एक्स, यह एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये क्लियर हो गया। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए जीरो से शुरू करते हैं तो ये होता है π/2। अब π/2 समझते हैं ना आप, इसको भी हम बताने वाले हैं, रुकिए। ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है एक चक्कर में 2π, यहाँ लिखिए 2π, क्लियर। और ये क्या मिटा हमने, एक्स। अब सुनिए क्या है, यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, सबके सब प्लस में होता है। इसमें क्या होगा, साइन और उसका जस्ट अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें होता है टेन और उसका उल्टा कॉट, इसमें होता है कॉस पॉजिटिव। अब सुनिए, हमने कहा एक ट्रिक याद रखने के लिए, आपको एक ट्रिक याद रखिए, ASTC या A है ना, सनम तेरी कसम, हंसने की आवश्यकता नहीं है, ए सनम तेरी कसम। अब देखिए के से कसम होता है, लेकिन ट्रिक में दिमाग मत लगाइएगा सर क्या क्या लिख रहे हैं, समझ में आना चाहिए। 4 वर्ड है, 4 क्वाड्रेंट है,
ए सनम तरीका सम, सनम कह दिया मतलब दूसरे क्वाड्रेंट, ए के बाद सनम आया। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या है, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखिए। तो ए एस टी सी भी रख सकते हैं, चाय भी रख सकते हैं, और भी होता है सिल्वर टी कप, एड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट क्रेजी, ऐसे भी बहुत सारा होता है। तो जो आपको हम बता रहे हैं ना उतना ही आप पचा लीजिएगा ना, काफ़ी बेहतर रहेगा। ये बात समझ में आ गया, सुनिए। अगर हम लिखे हैं ऐसे इस प्रकार से कि x जो है जीरो से लेकर क्या कह रहा है कि पाई बाई टू के बीच में है, तो क्या कहेंगे हम कि ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पाई बाई टू से लेकर x किस में है, पाई के बीच में है, तो ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पाई से लेकर 3π/2 की बात कर रहा है, तो x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए ना, पाई से लेकर पाई 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट ना है हो, चलिए। और यहाँ देखिए 3π/2 से लेकर किस में, 2π में, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे क्वाड्रेंट हम लोग क्लियर करते हैं, समझे ना। ऐसा लिखा रहेगा तो क्वाड्रेंट क्लियर करने आपको आ जाएगा, नहीं तो लिखा रहेगा कि एक्स स्थित है दूसरा क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट में। बहुत लोगों को बोरिंग लगता होगा, सर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन बताइए ना। अरे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको जानेंगे तो ना बनेगा, है ना, भेजा नहीं है आप लोगों को। चलिए समझ रहे ना, सुनिए। दिया है यहाँ पे जीरो, इस उसके बाद 30 45 60 90, है ना। इतना भी कम से कम आप याद रखिएगा कि ये होता है 0 π/6 π/4 π/3 π/2, ऐसे भी हम लोग कर लेंगे, है ना, क्लियर। तो ये सब याद रखिएगा। अब पाई मतलब क्या, पाई का मतलब 180 तो होता ही है भाई, 2π का मतलब क्या, 360 लिखिए ना, सब जुगाड़ है आप लोगों के लिए। और 3π/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 270। अब इतने सारे कहानी के साथ अब आ रहे हैं हम 3.2 के पहले नंबर क्वेश्चन पे, और पहला नंबर जो क्वेश्चन बनेगा ना उस बेस पर सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए किताब खोलिए और पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अब सुनिए, ये आपको ना पार्शियल कंसेप्ट दिए, हम कुछ कंसेप्ट दिए, वही चीज दिए इसमें जिससे आपका एक्सरसाइज क्या हो जाए, बन जाए। अगर चाहते हैं कि पूरा फुल कंटेंट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने का शानदार प्रयास कीजिएगा ताकि आपको संतुष्टि मिले। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज 1 to 5, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया 1 से 5 तक, उसमें सबका मान, एक एक मान दिया गया है और अलग 5वां का मान बताना है, मतलब सोल्यूशन देखिए। गिवन दिया है, क्या गिवन है, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में है। हिंदी लिख दिए ताकि हिंदी, कुछ हिंदी भाषी भी है ना आप लोग, हिंदी भाषियों को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे, देखिए अब बहुत लोग ऐसे बनाएंगे b/h = -1/2, इसलिए b का मान -1, h का मान 2, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। ऐसे जो बनाते हैं उनको हम सजेस्ट करेंगे कि भाई ऐसा आप लोग अप्लाई ना करें, ऐसा कोशिश नहीं करें प्लीज, तो ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, हम कैसे बताते उसको देखिएगा।
लिखेंगे यहाँ पे सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखना है कि इसके से डायरेक्ट रिलेशन किसका है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन होता है। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वन बाई टू का स्क्वायर बराबर वन, है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक माइनस, ये कितना हो जाएगा एक बटा चार, अरे माइनस वन बाई टू का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर लगते ही माइनस का प्राण छूट जाता है, डरता है स्क्वायर से, प्लस हो जाता है। तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा चार कम चार माइनस एक कितना होगा, तीन बटा चार होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर तीन बटा चार, तो इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर थ्री बाई फोर, यह हो जाएगा। अब यहां समझिए प्लस माइनस रूट तीन का वैल्यू तीन ही रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब बाई यहां देखिए चार का क्या होगा, दो हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपको, यहां पे क्या है ना, साइन का दो वैल्यू है, हमको कितना मान चाहिए, सिर्फ एक मान चाहिए। तो लिखेंगे देखिए यहां पे कैसे, इसमें सिर्फ एक मान चाहिए हमको, दो को मान आए हैं, प्लस में आया है माइनस में आया है, तो प्लस वाला लें या माइनस वाला लें ये कन्फर्म अभी नहीं है। आइए कन्फर्म किया जाए कौन सा हम लोग इस वैल्यू लिया जाए। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस, और यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ना क्वेश्चन में, इसका यूज इसीलिए दिया गया है कि आप क्लियर करें कि किस क्वाड्रेंट में है। तो चूंकि सिंस क्या है, एक्स लाइज बिटवीन, चाहे लाइज इन बिटवीन नहीं छोड़, बिटवीन मत लिखिए, लाइज इन कौन से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, हिंदी लिखिएगा, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। लाइज का मतलब क्या होता है, स्थित होना होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं ये सनम तेरी कसम पे कि ए एस टी सी तीसरे चतुर्थांश में गए हैं आप, क्वाड्रेंट में गए हैं, कौन पॉजिटिव होता है, तीसरा में टेन ना पॉजिटिव होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो साइन क्या होगा, निगेटिव ना होगा। देखिए तीसरा में टेन पॉजिटिव होता है, तीसरा में टेन का घर है, अब तीसरा में साइन घुसने का प्रयास कर रहा है, कौन घुस रहा है, साइन, तो मार मुक्का का बैठा देगा उसको ना, एक मुक्का मारेगा उसको, मतलब इसके घर में यह पॉजिटिव रहेगा, इसकी जो पत्नी की तरह बैठी है कॉट, है ना, वो पॉजिटिव रहेगी, और दूसरा कोई जाएगा दूसरे घर में घुसेगा तो मारेगा ना हो, तो ये क्या रहेगा, कॉट और टेन के अलावा जो घुसेगा निगेटिव हो जाएगा। तो साइन का क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए साइन एक्स बराबर रूट अंडर थ्री बाई टू, प्लस में माइनस में, तो माइनस में, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्लियर हो गया। चलिए अब साइन का मान निकल गया, गजब। अब देखिए यहाँ पे एक मान यहाँ निकल गया, और एक मान यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए नज़र थोड़ा साफ रखिए अपना, लिखेंगे सो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स का मान कितना है, माइनस रूट थ्री बाई टू, और कॉस एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स का मान कितना है, माइनस वन बाई टू, हाई कट जाएगा, कट जाएगा माइनस माइनस, क्या आएगा, रूट थ्री आ गया, तो रूट थ्री क्या हो गया, टेन का मान हो गया, समझ गए ना बात। अब इतना सारा बात समझ गए तो आप बताइए यहाँ से, इसीलिए कौशिक का मान क्या होगा, कौशिक थीटा बराबर क्या, कौशिक एक्स बराबर क्या होगा बताइए, तो साइन का उल्टा, तो माइनस दो बटा रूट थ्री, और बताइए सेक एक्स बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो माइनस दो, और कॉट बराबर क्या होगा बताइए,
टेन का उल्टा तो एक बटा रूट तीन। तो सुनिए, एगो यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ पे इसीलिए टेन एक्स बराबर क्या मिला आप लोगों को, रूट थ्री मिल गया। सुनिए तो आंसर कौन कौन हुआ, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और तीन वो यहाँ पे। तो तीन दो पाँच को नहीं मिल गया है, देखिए एगो दिया था अब पाँच को पूछा था निकल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें खत्म हो गया। इसी बेस पर पांच क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन दिया गया है। आप बताइए क्या वो पांचों क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इतना तो आपको समझ है। तो अब हम दूसरा तीसरा चौथा बनाकर समय लॉस करेंगे अपना, आप खुद से बनाइए, है ना। अब देखिए इसमें कहेगा बच्चा सब, सर कॉट दिया है सेक दिया है क्या करें, आइए थोड़ा देखा जाए, सब दुख दूर होगा। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा तो आसान है, हम तीसरा में आते हैं। तीसरा में है कि दिया है क्या, कॉट एक्स बराबर तीन बटा चार, और एक्स कह रहा है क्या, एक्स लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब सिंपल बात समझिए, मान लीजिए दिया है साइन एक्स बराबर वन बाई टू, आ कोई पूछेगा आपसे किस क्वाड्रेंट में है, देखिए तो देखिए ये क्या होगा, या तो पहला में होगा, पहला में सब पॉजिटिव होता है, या दूसरे में होगा, या तो पहला क्वाड्रेंट में होगा या दूसरा क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही दिया है तीन बटा चार, कॉट का मान, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सब होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में हो चाहे थर्ड में होगा, तो फर्स्ट नहीं दिया तो थर्ड ना देगा भाई, ये दिमाग लगाए अपना। चलिए सुनिए कैसे सोल्व करेंगे हम, सोल्यूशन यहाँ देखिए, कॉट एक्स कितना दिया है, तीन बटा चार दिया है, तो इसलिए देखिए पलट लीजिए, कॉट वाले में टेंशन होगा तो पलट लीजिए, तो टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार बटा तीन हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है, हो जाएगा ना। अब लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, क्लियर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन का मान कितना है, फोर बाई थ्री है, स्क्वायर इक्वल टू वन, या के जुड़ जाएगा उधर, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ना क्या, तो वन प्लस सोलह बट्टा नौ, मतलब हो गया नौ एकम नौ सोलह पच्चीस, पच्चीस बट्टा नौ, तो इसलिए सेक एक्स बराबर प्लस माइनस पच्चीस का पाँच बटा नौ का तीन, पच्चीस का पाँच बटा नौ का तीन, क्लियर, बात समझ गए। अब यहाँ सुनिए, हमारे पास ऑप्शन है कि दो में एक चुनना है, तो चलेंगे क्वाड्रेंट पर, लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, अच्छा इसका तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, कौन क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए कॉस का कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस इसमें फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में नेगेटिव होगा, आप देख लीजिए, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री, तो इसलिए पलट दीजिए, कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, पलट जाएगा ना, तो माइनस थ्री बाई फाइव, राइट, कॉस का मान निकल गया, सेक का मान निकल गया और टेन का मान निकल गया, तो हमको साइन कोसेक का मान चाहिए, सिंपल बात देखिए, लिखेंगे सिंस टेन थीटा टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, छोटा सा दिमाग लगाइए, तो टेन एक्स का वैल्यू कितना है बताइए, चार बटा तीन है ना, साइन एक्स तो मालूम नहीं है हम लोगों को, कॉस एक्स मालूम है कितना,
माइनस तीन बटा पाँच, तो इसलिए बताइए साइन एक्स बराबर क्या होगा। हाई गुना कर लेंगे इसमें तीसरा तिरछी, तो चार बटा तीन गुने माइनस तीन बटा पाँच, तो बताइए क्या होगा। तीन से तीन कट गया, आ गया कितना, आ गया आपको कितना आ गया देखिए, तो माइनस चार बटा पाँच। तो साइन का भी मान तो निकल ही गया। देखिए अब यहाँ से देखिए, हमारे पास ये मालूम था, हमने टेन निकाल लिया यहीं पे, क्लियर, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, हमने यहाँ सेक निकाला, दूसरा हो गया, हमने यहाँ कॉस भी निकाल लिया, तीसरा हो गया, हमने यहाँ साइन निकाल लिया, चौथा हो गया। और लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर, तो पलट देंगे माइनस पाँच बटा चार, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या समझा आपने कि जैसे कॉट दिया है, उल्ट पलट के टेन में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, और आप चाहते हैं यहाँ से चाहते ना तो आप भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर वन, ये भी अप्लाई कर सकते थे। तो बहुत तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, समझ गए ना, क्लियर। चलिए तो तीन क्वेश्चन हो गए, तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बना दिया, जो बाकी बचा हुआ है ना तो बना सकते हैं अपने आप से आप, क्लियर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आइए हम लोग चला जाए सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स क्या है, साइन 765 इसका मान क्या होगा। इसके मान को निकालने से पहले कुछ लॉजिक हम लोग समझने वाले हैं, उसको समझिए बढ़िया से। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए यहाँ पे साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा जिसके साथ 2n पाई प्लस थीटा आ जाएगा वही थीटा का काम करेगा यहाँ पे, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा टेन थीटा। लेकिन टेन के साथ एक और कंडीशन होता है, समझिए, सबके फार्मूला में दो रहेगा लेकिन टेन के पास यहाँ दो रहे तो ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेन एन पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा ही हो जाता है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एन गुने 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ऐसे ही सबके साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये माइनस वाला फॉर्मेट है, देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, साइन में माइनस होगा, 2n पाई का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला सब है। कॉस में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, कॉस में क्या होता है, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ए बी सी तीन ग्रुप में, और देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, साइन 765 डिग्री है, तो साइन 765 तो क्या करेंगे बताइए, लिखेंगे यहाँ पे साइन 765 में 360 से भाग करेंगे तो क्या होगा, दो गुने 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 720 प्लस कितना होगा 45, 65 नहीं हो जाएगा। और देखिए इस फार्मूला में आगे इतना भूल जाएंगे, सिर्फ थीटा चिपका देंगे, चलिए तो क्या होगा, इतना हटेगा तो क्या होगा, थीटा के यहाँ पे सटेगा साइन 45, तो क्या हो गया, साइन 45 का मान एक बटा रूट अंडर टू, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बढ़िया से, अच्छा आगे देखिए, आगे सुनिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगला भी क्वेश्चन सब है ना, एक क्वेश्चन थोड़े कुछ होने वाला है। दूसरा देखिए सातवां नंबर, इसको हमें कहे रखे हैं, कौन इसका हमको देना है गिफ्ट में, चलिए यहाँ देखिए सातवां दिया है, कौशिक माइनस 1410, सुनिए क्या होगा, सोल्यूशन करते हैं, कौशिक माइनस 1410 माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए कौशिक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कौशिक थीटा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस कौशिक 1410। अब इसमें भाग करेंगे हम किससे, 360 से,
ठीक है ना। देखिए तो माइनस कॉसेक 360 गुने चार, चाहे तीन चार गुने 360 बात बराबर है, 360 गुने चार कितना होगा 1440 होगा, घटा देंगे हम लोग 30। तो अभी हमने क्या कहा, इस फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे कॉसेक क्या 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, क्या होता है तो माइनस कॉसेक थीटा होता है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते थे ना कॉसेक दो सॉरी n गुने 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो क्या निकलने वाला है, माइनस बाहर निकलने वाला है, माइनस माइनस प्लस इसको भूल जाना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, लिख लीजिएगा आंसर हो गया आपका क्लियर। कितना आसान है, बस फार्मूला पुटिंग, फार्मूला पुटिंग मैथ है, देख रहे हैं ना फार्मूला पुटिंग मैथ है क्लियर। आइए देखा जाए आठवां नंबर क्वेश्चन को, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन 19 पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, टेन कितना 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या होगा सिर्फ यहाँ पे इसको तो भूल जाते हैं, तो टेन पाई बाई 3 होता है, और टेन पाई बाई 3 का मान कितना होगा रूट थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर थ्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है रूट अंडर थ्री हो जाएगा। तो आठ क्वेश्चन चला गया, अब नाइन नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, साइन माइनस 11 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3 ये लिख देंगे हम लोग। अब थोड़ा सा सुनिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, तो माइनस साइन देखिए यहाँ पे अटने वाला है नहीं, तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा गोलमाल, इसलिए बढ़िया से इसको बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, दो क्वेश्चन और बचे, 9 और 10 बना देंगे काम ख़त्म हो जाएगा, एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए चलिए नाइन नंबर देखिए, साइन माइनस 11 पाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस बाहर आ जाएगा 11 पाई बाई 3, काम करते हैं यहाँ पे साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 तिरका 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, माइनस आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा ना, साइन पाई बाई 3 क्या हो गया रूट 3 बाई 2 हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 10 नंबर देखिए, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, अब इसको तोड़िए देखिए, कॉट 4 पाई कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हैं, फिर निकलेगा बाहर माइनस, तो कॉट कितना होगा पाई बाई 4, कॉट पाई 4 का मान 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या इस क्वेश्चन को बनाने का और भी तरीका है उसको थोड़ा सोच लेते हैं, क्या है कि नहीं सोच लीजिए, बिल्कुल है। आइए देखा जाए इस नाइन नंबर क्वेश्चन बनाने का दूसरा तरीका, साइन दिया है कितना माइनस 11 पाई बाई 3, माइनस तो बाहर खींच लेंगे हम, ठीक है एक 11 पाई बाई 3, चलिए इसको ऐसे करेंगे माइनस साइन, और लिख सकते हैं क्या कितना, तो 2 पाई प्लस कितना करेंगे तो आएगा 3 × 6 5 पाई बाई 3, टुकड़े टुकड़े में तोड़ रहे हैं इसको, तो देखिए ऐसे भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका बोलिए, देखिए ये हो जाएगा आपका
माइनस तो रहेगा यहाँ पे माइनस साइन 5π/3। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, साइन 2π माइनस कितना तो π/3। तो देखिए अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन π/3, और ये हो जाएगा √3/2। तो कुछ लोग ऐसे भी बनाता है, कुछ लोग ऐसे भी बनाता है क्वेश्चन को, तो काफ़ी लेंदी हो गया। तो क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें हम और हम क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए तो इस तरीके से 3.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग बना लिए और आपसे बन जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे और उसमें सोल्व करेंगे हम लोग 3.3 के क्वेश्चन को अच्छा से। उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है उसमें। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। थैंक यू। शेयर करना नहीं भूलना।